Hello viewers, today I am going to explain you a new topic, that is summer and winter solstice and equinox. जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस पर रोटेट करता है और इसके 5 इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, आर्कटिक सर्कल है, अंटार्कटिक सर्कल है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर. इक्वेटर क्या करता है, अर्थ को दो भाग में डिवाइड करता है, एक है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और दूसरा है सदर्न हेमिस्फीयर. तो 20 to 21 जून को वन थिंग इज हैपनिंग कि जो सन की लाइट है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे शाइन करता है डायरेक्टली. और सन की शाइन डायरेक्टली करने की वजह से ये जो पार्ट है, नॉर्दर्न पार्ट है यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, टोटली समर एक्सपीरियंस करता है, जबकि साउथ पार्ट यानी सदर्न हेमिस्फीयर विंटर एक्सपीरियंस करता है. तो ये प्रोसेस, ये टाइम पीरियड जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 20 to 21 जून को समर एक्सपीरियंस करता है और साउथ हेमिस्फीयर विंटर फीलिंग करता है, एक्सपीरियंस करता है, तो दिस इज नोन एज समर सोलस्टिक और विंटर सोलस्टिक. अब नेक्स्ट अनदर टाइप इज हैपनिंग ऑन 21 to 22 दिसंबर. क्या होता है कि जो सन की लाइट है वो ट्रॉपिक अर्थ के रोटेट करने की वजह से इसकी जो लाइट है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ती है. ठीक है, तो जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ती है तो ये ऑफिस की बात है कि जहाँ सन की रोशनी पड़ेगी वो एरिया गर्म होगा. तो 21 to 22 दिसंबर को जब सन शाइन डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे करने लगता है बिकॉज ऑफ रोटेशन, तो दिस पीरियड इज नोन एज विंटर सोलस्टिस. एक सिंपल टर्म में आप कह सकते हो कि जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक्सपीरियंस करे समर, तो दैट इज समर सोलस्टिस. और जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न समर फील करे, एक्सपीरियंस करे, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न विंटर, यह सिंपल टर्म आप कह सकते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का समर एक्सपीरियंस करना समर सोलस्टिस कहलाता है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का विंटर एक्सपीरियंस करना विंटर सोलस्टिस कहलाता है. ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो सन है, समर सोलस्टिस कब होता है, 20 to 21 जून को, जब सन पे सन की रोशनी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे ज़्यादा पड़ती है तो ये कहलाता है समर सोलस्टिस, क्योंकि यहाँ गर्मी है. 21 to 22 दिसंबर को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे सन की शाइन डायरेक्टली पड़ती है तो ये एरिया गर्म हो जाता है और ये एरिया ठंडा. तो दिस साउदर्न हेमिस्फीयर का पार्ट गर्म हो जाएगा, यानी यहाँ पे समर एक्सपीरियंसेस होने लगेगा इन द मंथ ऑफ दिसंबर, तो दिस इज नोन एज विंटर सोलस्टिस. ये सिंपल टर्म में आप कह सकते हैं कि जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर समर फील करे यानी समर एक्सपीरियंस करे तो दैट इज समर सोलस्टिस, और जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न समर एक्सपीरियंस करे और तो यहाँ पे होगा आपका विंटर सोलस्टिस. ये ठीक है. उसके बाद एक ऐसा भी दिन आता है यानी 21 मार्च और 22 सितंबर को, जब सन की शाइन डायरेक्टली ओनली इक्वेटर पे शाइन अप करता है, तो इसके शाइन करने की वजह से दोनों ही जगह यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास करिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर दोनों पे क्या होता है, इक्वली डे एंड नाइट होता है. तो इक्वली डे एंड नाइट पीरियड को वी ए और कॉलिंग इक्विनॉक्स. ठीक है, तो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग इन अ शॉर्ट वे. इफ़ यू लाइक माई वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.